जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा कि वोटर पोर्टल में पहले आपको साइन अप करना होगा। तो वो साइन अप आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप नए यूजर होंगे, नया नया वोटर पोर्टल में अगर आए होंगे तो वहाँ आप लॉग इन करिएगा तो आपका लॉग इन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आपका नहीं बना है तो आप साइन इन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप कर लीजिएगा उसके बाद ही आप लॉग इन कर पाइएगा। तो कैसे करिएगा साइन अप पहले, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ढूंढ लें, क्योंकि यह सिस्टम ऐप है सबके मोबाइल में होता है। तो देखिए ये रहा क्रोम ब्राउज़र, तो इस पर क्लिक करिएगा तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो देखिए मेरा नेट बंद है, मैं ऊपर से नीचे की तरफ करूँगा और अपना नेट चालू कर दूँगा। उसके बाद में आपका अगर सर्च करने वाला पेज नहीं आता है तो ठीक है, तो ऊपर 3 डॉट है उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद न्यू टैब जो लिखा है उस पर क्लिक करिए तो आपका ये सर्च करने वाला पेज आ जाएगा। उसके बाद में सर्च बार पर आपको क्लिक कर देना है। तो ऊपर सर्च बार में आपको लिखना है NBSP, इतना ही लिख कर दीजिएगा तो ऊपर भी आ जाता है, ऊपर से आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपका नीचे जहाँ से सर्च होता होगा वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं ऊपर ही क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया, तो ऊपर www.nbsp.in ये वेबसाइट इसका देख लेना है, और नीचे जो NBSP लिखा है वो उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा ये वाला पेज खुलेगा, तो ये डायरेक्ट अगले पेज पे चले जाता है, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक हियर जो लिखा है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो कभी कभी ये वाला पेज खुल जाता है, तो ये मेरा डेस्कटॉप साइड में पहले मैं यूज किया था इसलिए, तो ऊपर 3 डॉट है उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में नीचे डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये डेस्कटॉप साइड हट जाएगा, आपका ये वाला पेज है। ऊपर में साइन अप जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए ये वाला पेज आ जाएगा। इससे पहले जो पेज आया तो वो पेज आपका अगर नहीं आता है, कभी कभी डायरेक्ट यही पेज खुल जाता है। अपना जो भी मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे लिख देना है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जिसमें स्टार लिखा हुआ वो लिखना कंपल्सरी है। उसके बाद नीचे ये कैप्चा कोड जो है देख करके सही सही आपको लिख देना है। उसके बाद में मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। देखिए मैं सब कुछ लिख दिया, उसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे जो कंटिन्यू लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला पेज खुला, तो यहाँ पर आप फर्स्ट आपका जो पहला नाम होगा, जैसे मेरा संजीव है तो इसमें संजीव लिख देते हैं, और लास्ट वाला नेम जो लिखा है उसमें कुमार लिख देते हैं। उसके बाद में नीचे पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड कैसा बनाना है मैं स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पासवर्ड अपना बना लीजिए। और नीचे वाले में कन्फर्म पासवर्ड मतलब ऊपर जो लिखे होंगे सेम टू सेम नीचे लिख देना है। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP जो लिखा है उस पर आपको क्लिक कर दे। तो मैं सब कुछ लिख करके थोड़ा स्क्रॉल किया, रिक्वेस्ट OTP पर जैसे ही क्लिक करिए देखिए मेरा सक्सेस हो गया है। OTP भेजा जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर हम दिया उस पर OTP आएगा। OTP देख करके नीचे एक बॉक्स है, उस बॉक्स से हम लिख देना है। नीचे टाइमिंग भी चलता रहता है, उस टाइम के अंदर OTP आ जाएगा, नहीं तो फिर से रिसेंड OTP का ऑप्शन आ जाता है। रिसेंड OTP पर क्लिक करके फिर से अपना OTP मंगवा सकते हैं। अगर इसी मोबाइल में सिम कार्ड रहेगा तो इसी पे आएगा, नहीं तो अदर में रहेगा तो अदर में आएगा। और देख करके यहाँ पर देखिए मैं OTP लिख दिया, उसके बाद में वेरीफाई जो लिखा है उस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद में देखिए ये पॉपअप आया, इसमें लिखा है UR सक्सेसफुल साइन इट अप, काइंडली लॉग इन करने के लिए कर रहा, तो जो लॉग इन लिखा है वो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये वाला पेज खुलेगा। उसके बाद में देख ले ये वाला पेज खुला, तो थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका यूजर आईडी भी है, मोबाइल नंबर लिखना है, और जो पासवर्ड बनाए हैं अपना वो पासवर्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद
रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो मैं सब कुछ लिख करके आपको बताता हूँ। देखिए मैं सब कुछ लिख दिया, उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी जो लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आप दिए थे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी या ओटीपी देख के यहाँ पर लिख देना है। देखिए इसी मोबाइल में था मेरा, तो ओटीपी आ चुका है, तो वो देख करके यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डाल दिया, उसके बाद में वेरीफाई एंड लॉगिन जो लिखा है उस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। मैसेज जो आता है उसका सेटिंग किया हुआ है, ये जल्दी नहीं हटता, तो ऊपर क्रॉस के निशान है उस पर क्लिक करके इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे अनडिफाइंड लिख दिया है। उसके बाद में जो भी यूज करना है, नया वोटर कार्ड उसके बारे में भी मैं वीडियो बना, सब मेरे चैनल पर करेक्शन के बारे में भी बना दिया हूँ। उसके बाद इसमें बहुत सारे के बारे में मैंने वीडियो बना दूँगा। कुछ भी अब अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हम मैं वीडियो बना दूँगा। नहीं तो लमसम सारा वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मेरा ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे थे मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ।